सिंगरौली में पूर्व विधायक एवं सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने मध्य प्रदेश सरकार से छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर खरीदी केंद्र बनाए जाने की मांग की है। इसके लिए वे जन अस्मिता यात्रा निकालेंगे। बेरोजगारी और सड़क निर्माण को लेकर भी उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने दुधारू व अन्य जानवर पालने वाले किसानों को गोबर का उचित दाम दिलवाने की बात कही। उन्होंने कहा, सड़क पर चार पहिया वाहन से दबकर जानवर मर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा गोबर खरीदी केंद्र खुल जाने से पशु पालने वाले ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा। गोबर से खाद और गैस बनेगी, साथ ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों में गोबर का उपयोग हो सकेगा। लक्ष्मण तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि वे सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात करते थे, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। 8 वर्षों से 4 लेन बनाने का कार्य अटका हुआ है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि शिवराज ने स्थानीय बेरोजगारों को 70% रोजगार की बात कही थी, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा। उन्होंने एक बार फिर विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की, जिससे छोटे स्थानों का विकास किया जा सके। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर की सरकार खरीदी करे, जिससे आम जनों को न केवल फायदा ही होगा बल्कि जनजीवन में सुधार आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी। जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, मुँह से कह देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। मैं मानता हूँ कि जन जन को जब लाभ मिलेगा, खेती लाभ का धंधा बनेगी, जैविक खेती का प्रचार प्रसार होगा और इस खाद से गोबर से गौ हत्याएँ बंद हो जाएगी, रोड का एक्सीडेंट में कमी आ जाएगी और चारों तरफ गोबर के खाद और विक्रय से एक एक जन को लाभांश मिलेगा। ऐसी तरह से अगर ये काम नहीं पूरा होता तो हम तमाम पूरे अपने फौजी सिविलियंस और पूरे स्टाफ पूरे तमाम प्रदेश के लोगों से आह्वान करने आए हैं, जो सिंगरौली हमारा देश के लिए और प्रदेश के लिए कर देकर और सिंगरौली को से पूरे देश को लाभांश पहुंचाती रही है, वो सिंगरौली आज वो जस की तस बनी है। मुख्यालय से तक भी सिंगरौली के जो नायक शिवराज सिंह जी, आपको तो इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ भाषण दे के गए थे कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे और आज सिंगरौली के लोगों को रीवा मुख्यालय जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, मेडिकल कॉलेज जाना हो तो रास्ते में डेथ बॉडी लेके लौटेंगे परिवार के लोग। आपको तो कह देने से थोड़ी सिंगापुर बनेगा, इसके लिए कृत करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी दूसरी मांग है कि हम विंध्य प्रदेश राज्य हमारा लौटा दो, हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिकों को हम एक आयोग का गठन करो, जिससे सैनिकों का कल्याण हो, उनके परिवारजनों की रक्षा हो। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।